नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो भी अग्निवीर का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो भी साथी एग्ज़ाम दिए हुए हैं अग्निवीर का, सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं कि आप सभी घबराए नहीं। आपकी रिजल्ट कल से और 25 मई के बीच तक आपकी रिजल्ट सभी का जारी कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी सी एग्ज़ाम अग्निवीर का दिए हुए हैं, सभी का रिजल्ट यानी कल से यानी 19 मई से लेकर के 25 मई के बीच तक आपके रिजल्ट अपडेट कर दिए जाएंगे। और ये भी आपका सवाल होगा कि क्या एक ही दिन सभी का रिजल्ट आ जाएंगे ऑल इंडिया का? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी का रिजल्ट किसी का आज है, किसी का कल, किसी का ऐसे करके यानी 19 कल से लेकर के 25 मई के बीच तक सभी यारों का रिजल्ट 25 मई तक अपडेट कर दिए जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सभी का फिजिकल का डेट जून से स्टार्ट हो रहा है, यानी जून जुलाई अगस्त की महीने तक फिजिकल आपकी करा दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे हम सी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, यदि आपको मैं बताना चाहता हूँ ये भी कि जो भी बच्चे यानी 25 क्वेश्चन किए हुए हैं, सटीक 25 क्वेश्चन उनका सही है यदि, तो वह फिजिकल में अपना जुट जाए, फिजिकल की तैयारियां करें। आपकी नाम बिल्कुल आ रही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि 25 क्वेश्चन है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि फाइनल मेरिट की बात की जाए तो फाइनल मेरिट अब आगे देखने की बात है कि फाइनल मेरिट आखिरकार कब और कितना बनाया जाता है। मैं आपको अपनी चैनल के माध्यम से सटीक और सही इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर प्रोवाइड करा दूंगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, रांची आरओ यानी झारखंड का जो भी बच्चे हैं, सभी का फिजिकल का डेट आपका, उम्मीद है कि फिजिकल आपकी जून की अंतिम सप्ताह से स्टार्ट कर दिया जाएगा और 10 जुलाई के आसपास तक चलने की संभावनाएं हैं। मुजफ्फरपुर यारो का आपकी 16 जून से 26 जून के बीच चलेगी, और आपकी वाराणसी यारो, अमेठी यारो के अंदर, अमेठी के अंदर जुलाई में चलनी है जो कि 20 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, और आपकी वाराणसी यारों के अंदर भी जुलाई की मंथ में आपकी फिजिकल का डेट आने की संभावनाएं हैं। आप सभी तैयारियां करें, जैसे भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं अपनी चैनल के माध्यम से ज़रूर बता दूंगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं शेयर करने का काम करें। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, भारतीय प्रादेशिक सेना के जो भी बच्चे गुमराह बने हुए हैं उनको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी चैनल के माध्यम से जो अंतिम बार इन्फॉर्मेशन दिया गया था अभी तक का खबर वही है। आप घबराए नहीं, गैजेट के बारे में जो भी होगा मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। जो भी वायरल हो रहे हैं सभी के बारे में मैं डिटेल्स अगली वीडियो में भारतीय प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के बारे में अगली वीडियो में मैं सूचित करूँगा। जय हिंद, जय भारत।